इंडस्ट्री पॉलिसी भी लाई है, 7,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास पेंडिंग है। लोक लुभावने जो वादे हैं वही सरकार करे। जिस तरह से भाजपा नीच सरकार उलझुल निर्णय ले रही है, लोक लुभावने निर्णय ले रही है, ये केवल जनता को बरगलाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में कोई काम नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। पूछता है उत्तराखंड। दरअसल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी राज्य सरकारें एकाएक लोक लुभावने फैसले ले रही है। चुनावी साल में जहां सीएम धामी एकाएक घोषणाएं कर रहे हैं, तो दूसरी ओर देर रात तक चली धामी कैबिनेट की बैठक में भी ऐसे अनगिनत फैसले लिए गए हैं। माना यह जा रहा है कि सरकार ने चुनावी साल में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि राज्य कैबिनेट में 30 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से कैबिनेट ने 28 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है, जिनमें उत्तराखंड खेल नीति को मंजूरी दिए जाने, पीआरडीए और भोजन माताओं के मानदेय में बढ़ोतरी समेत कई निर्णय लिए गए। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्णय ले रही है, जिसका चुनाव में सरकार को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर शराब को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा दिया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। चुनावी तैयारियों के लिहाज से बीजेपी अन्य दलों से काफी आगे निकल चुकी है। इन्हीं तैयारियों के साथ ही सीएम धामी फ्रंट फुट पर आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिससे विपक्ष को क्लीन बोल्ड किया जा सके। चुनावी मैच को जीतने के लिए एक ओर जहां सीएम जनता को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कई ऐसे निर्णय भी ले रहे हैं जिससे हर वर्ग को खुश किया जा सके। इसी कड़ी में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 30 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से कैबिनेट ने कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी में भी कुछ प्राविधान किए गए हैं, ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर इस राज्य में आ सके। इसके साथ साथ एक मेगा इंडस्ट्री पॉलिसी भी लाई है, जिसमें करीबन 1700 करोड़ से ज्यादा के यहाँ पर निवेशकों के यहाँ पर हम पे प्रस्ताव हैं, जिसके माध्यम से सात हजार करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास पेंडिंग है, जिसके माध्यम से 17,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। चलिए एक नजर डालते हैं धामी कैबिनेट के फैसलों पर। धामी कैबिनेट के फैसले, उत्तराखंड खेल नीति को मंजूरी, राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न पर राशन विक्रेताओं का लाभांश 18 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति क्विंटल। श्री बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रभावित होने वाली भूमि, भवन, लॉन्च आदि भूमि और भवन स्वामियों की सहमति के आधार पर प्रतिकर दिए जाने का निर्णय। केदार धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रायोजित विभिन्न निर्माण कार्यों, निविदा कार्यों में शहरीकरण को मंजूरी। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन संवर्ग सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी। उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021 को मंजूरी। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में 33% सब्सिडी और 10 लाख के मानक को बढ़ाकर 50% सब्सिडी को मंजूरी। भोजन माता के वेतन मानदेय को 2,000 रुपए बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का निर्णय। पीआरडी जवान के वेतन मानदेय में प्रतिदिन 70 रुपए की दर से 2100 करने को मंजूरी। उत्तराखंड आबकारी प्रीमियम रिटेल वेंट्स शॉपिंग मॉल्स डिपार्टमेंटल स्टोर हवाई अड्डा में स्थित दुकान के अनुज्ञापन का व्यवस्थापन नियमावली 2021 को मंजूरी।
एक ओर जहां सरकार एकाएक निर्णय लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोक लुभावने फैसले ले रही है। साथ ही विपक्ष का आरोप है कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने शराब को बढ़ावा देने जैसी भी कई फैसले लिए हैं। साथ ही कैबिनेट ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख भी तय नहीं की है, जिससे साफ है कि सरकार गैरसैंण में सत्र कराने के पक्ष में नहीं है। देखिए, जिस तरीके से ये तय था कि आज जो कैबिनेट की बैठक आहूत की गई है, तो ये पहले से ही डिसाइडेड था कि लोक लुभावने जो वादे हैं वही सरकार करेगी। अब 4.5 साल हो गए सरकार के कार्यकाल को, सरकार को ना भोजन माताओं की याद आई, ना जो है जो संविदा में लोग हैं उनकी याद आई, ना उन्हें गोल्ड मेडल जीतने वालों की याद आई, ना उन्हें खिलाड़ियों की याद आई। आज जब चुनाव सर पे है, आचार संहिता लगने वाली है, तो उन्हें आप ये सारे लोग आपको याद आ रहे हैं। तो ये स्पष्ट करता है कि जनता देवभूमि की भोली जरूर है, बट बेवकूफ नहीं है, और वो समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत दोनों को। कैबिनेट की जो बैठक हुई और जो शीतकालीन सत्र को लेकर से पूर्व, मतलब उसमें शीतकालीन सत्र जो 28-29 को होना था, 29-30 को होना था, 2 दिवसीय, उसको रद्द किया गया। लेकिन अभी तय नहीं है कि शीतकालीन सत्र कब होना है, लेकिन आगामी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से भाजपा नीत सरकार उलझुल निर्णय ले रही है, लोग लुभाने निर्णय ले रही है, ये केवल जनता को बरगलाने के लिए। आज इनका रोजगार के मुद्दे भी आ गए हैं, आज इसके अन्य मुद्दे भी आ रहे हैं, लेकिन जो वो पुरानी मांगे हैं बेरोजगारों की, जो पुरानी मांगे हैं वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं। देवास्थानम बोर्ड पर इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। देखिए, जिस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5-5 साल में कोई काम नहीं किया, और हमने इस बात का चैलेंज किया था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पिछले 5 साल के 5 काम ऐसे गिना दे जिसमें जनता को सीधा सीधा फायदा पहुंचा हो। कुल मिलाकर चुनाव से पहले लोक लुभावने फैसले लेना कोई नई बात नहीं है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार के इन फैसलों का चुनावों में कितना फायदा मिलेगा, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि सरकार के इन फैसलों से आमजन को कहीं न कहीं फायदा तो मिलेगा ही। देहरादून से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सागर विश्व के साथ सुभाष कौर की रिपोर्ट। तो सरकार के बड़े फैसले, लेकिन विपक्ष फिर भी परेशान है। जहां विपक्ष एक तरफ ये कहता है कि सरकार जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है, 4.5 साल हो चुके हैं बीजेपी की सरकार सत्ता में, लेकिन कुछ नहीं किया, विपक्ष ऐसा कहता है। लेकिन जब अगर काम करना चाहे सरकार, तो भी विपक्ष को परेशानी होती है। अब कल देर रात कैबिनेट बैठक हुई, और उस कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्ताव रखे गए थे। इन 30 प्रस्तावों में से 28 को तुरंत मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब कांग्रेस भी परेशान है, आम आदमी पार्टी भी परेशान है। तो सवाल ये है कि जब जनता के लिए काम हो रहा है तब भी आपको परेशानी है, जब नहीं होता है तब भी आपको परेशानी होती है, तो आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? जैसे कि कांग्रेस अभी कह रही थी कि जिस तरह से जनता भोली है, बेवकूफ नहीं है, तो जनता भोली है, जनता समझती है इस बात को कि आखिर क्या हो रहा है, कौन किसके हित में सोच रहा है, कौन किसके हित में नहीं सोच रहा है, कौन से वादे लोक लुभावने और कौन से वादे ऐसे हैं जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, आगे इस पर काम होगा और इसको धरातल पर उतारा जाएगा, सिर्फ कागजों तक ये वादे नहीं रहने वाले। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि धामी ने जो कैबिनेट बैठक की है, इसने सीधे तौर पर विपक्ष को क्लीन बोल्ड कर दिया है। तो ऐसे में आज इसी पर चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ा है, चलिए आपका परिचय करा देते हैं। सीमा डोरा बीजेपी प्रवक्ता है, बड़ा चेहरा सूरत नेगी प्रवक्ता है कांग्रेस से, संजय भट्ट प्रवक्ता है आपसे, वहीं अजय राणा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। सीमा डोरा जी, पहला सवाल आपसे, 4.5 साल सत्ता में आपको हो गए हैं, कैबिनेट बैठक आपने की, उसके बाद 30 में से 28 प्रस्तावों पर तुरंत मुहर लगा दी, कितना लुभाएंगे और जनता को? अभी आपने मेरे जो अपने प्रश्न किया उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया कि कुछ दे तो भी मुश्किल, ना दे तो भी मुश्किल, कुछ करे तो भी मुश्किल, ना करे तो भी मुश्किल। ना हम तुम्हें जीने देंगे, ना हम तुम्हें मरने देंगे, है ना, चित भी मेरी पट भी मेरा, ये है कांग्रेस और आपका शक्ल। जनता का भला हो रहा है तो इनको कोई मतलब नहीं, बढ़ते हुए संगठन की लोकप्रियता को देख के ये घबरा रहे हैं, एक्चुअली इनके पेट में दर्द हो रहा है,
अरे जनता का भला हो रहा है, पहले तो आप 2.5 साल 2 साल तो कोरोना में निकल गया, तो आज तक हम लोगों को बचाने में लगे पड़े हैं, हर दिन हर वार्ड में कैंप्स लगे रहते हैं, 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है, फर्स्ट से डोज एंड सेकंड डोज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। आपको प्राउड फील होना चाहिए, आप किस देश में रह रहे हो जहां पर वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं, जिस देश ने खुद वैक्सीनेशन बना लिया, पहली बार ऐसा हुआ कि महामारी आई और हमने ही वैक्सीनेशन बनाई और खुद अपने लोगों को तो दी, विदेश में भी सप्लाई करी मेडिसिन और वैक्सीनेशन दोनों, उसके बाद जाने भी गई हैं आए सीमा मैम। तो मैडम खाली भारत में नहीं गई है, पूरा पूरा जो वर्ल्ड है इससे ट्राई हो रहा था, आप भी जानते हो और भी जगह हो रहा है। ठीक है, मैं तारीफ करती हूँ कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया है, मैं मानती हूँ और तारीफ भी करती हूँ केंद्र सरकार की कि बहुत अच्छा काम किया है, वैक्सीनेशन इतने लोगों को मिल गई है, लेकिन सवाल यहाँ हर बार कोरोना का बहाना मत लीजिए ना। नहीं, कोई बहाना नहीं है, जैसे ही कोरोना से फ्री में हम लोगों ने फटाफट योजनाएं निकालनी शुरू कर दी कि अब देश का भला किस तरीके से जनता का भला करा जाए, लेकिन ये बात है कि साथ की साथ ये कोई इंसिडेंट इसको कह सकते हैं कि कोरोना खत्म होने के तुरंत बाद ही इलेक्शंस आ गए, तो हमने तो योजनाएं वैसे भी निकालनी थी ही। जी, तो हमने इतनी योजनाएं निकाली है कि लोअर से लेके अपर ग्रेड तक सबको सहूलियत मिलेगी, सब खुश रहेंगे, चाहे वो महिला हो, युग मिलना चाहिए, डबल इंजन की सरकार आप चला रहे हैं तो इससे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। तो जी, तो हमने उसी को ही कर, अभी आप चलते जाइए, देखते जाइए, आपको बहुत बहुत पूरी जनता बहुत खुश होगी और उत्तराखंड एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेगा जहाँ हमें प्राउड फील होगा कि हम उत्तराखंड में रहते हैं। अभी प्राउड फील नहीं होता तो इन लोगों को भी अभी प्राउड फील नहीं होता और आगे आगे और होगा मैडम, बहुत ज्यादा आपको प्राउड फील होगा और इनको भी साथ में होगा, साथ में, ठीक है, इन लोगों को तो ये तो कभी क्या तो खुश हो ही नहीं सकते ना, ये तो हमेशा नेगेटिव। संजय जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खुश है आपकी बातें सुनकर। संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए काजोल जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि सीमा डोरा जी बड़े प्यार से बोल रही थी, जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ हमने तुरंत काम शुरू कर दिया। काजोल जी आपको याद दिलाता हूँ कि जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदलने शुरू कर दिए और 3 मुख्यमंत्री दे दिए कोरोना काल खत्म होते ही। अरे हमने इतना दम था कि हम बदल गए, आपके पास मुख्यमंत्री देने का चेहरा नहीं है। सीमा जी, अभी बहुत समय है, आगे और बहस करेंगे, सुन लीजिए, ठीक है, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। संजय जी बोलिए। जी जी काजोल जी, देखिए पिछले 21 सालों में उत्तराखंड में 5000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, इन 5 सालों की बात करें तो 32 पुल टूट गए, और जो भ्रष्टाचार हुए लगातार, वो सूर्यधार झील की बात हो या कोरोना टेस्टिंग कुंभ में जो घोटाला हुआ है करोड़ों रुपए का वो हो, या जो माननीय मुख्यमंत्री TSR-1 ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कि NH-74 घोटाले की CBI जांच हो, आज तक नहीं हुई। यानी ये सरकार सिर्फ और सिर्फ घोटाले करती रही, लूट खसोट करती रही, 5 साल तक इन्होंने लूट खसोट की। अब ये जनता को बरगलाने के लिए, जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए जो इन्होंने काम निकम्मी और नाकार आप जितनी मर्जी आवाज उठा लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं, चलिए ठीक है लोग लुभावने ही सही, लेकिन फायदा तो जनता को हो रहा है ना, मतलब तो जनता से है ना। जी काजोल जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जनता को तो फायदा होना ही चाहिए। हाँ। अब माननीय मंत्री हरक सिंह रावत जी ऊर्जा मंत्री बने और उन्होंने घोषणा की कि 100 यूनिट बिजली, जब आप लोग जनता के लिए सोचते हैं तो बीजेपी करे, आप करे या कांग्रेस करे। नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ काजल जी, मैं कह रहा हूँ कि हमने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, माननीय मंत्री हरक सिंह रावत जी ने कहा 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, दो ना उत्तराखंड की जनता का, दो देते क्यों नहीं हो, आप घोषणा करके मुंह कर रहे हो, आप दीजिए ना, जब आचार संहिता लग जाएगी तब कहोगे कि अरे हम भूल गए थे। 100 यूनिट बिजली फ्री की बात इन्होंने कही थी, इनके मंत्री ने कही थी, हमने थोड़ी नहीं कही, हम तो 300 यूनिट की बात कर रहे हैं। वो उत्तराखंड की जनता को दे। एक मिनट, और भी मेहमान है उनके पास जाऊंगे, आपसे एक सवाल है मेरा, अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में आपदा आई थी, बहुत बुरा हाल हुआ था, कई लोगों की जान चली गई, तब तो अरविंद केजरीवाल नहीं गए आम जनता के बीच। जी जब आपदा आई, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपदा क्षेत्र में गया, कर्नल कोटियाल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं।
और माननीय मोदी जी, जब आपको याद होगा 2013 में आए थे उत्तराखंड और यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मोदी जी की तरफ से बयान आया था कि कांग्रेस की सरकार यानी विजय भगोना जी की सरकार ने उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, वरना वो बहुत सारे लोगों को बचाते। अब जब गृह मंत्री आए इस आपदा में माननीय अमित शाह जी, और हेलीकॉप्टर से आए, डबल इंजन सरकार थी, हेलीकॉप्टर से ऊपर से चक्कर लगा के चले गए, नीचे क्यों नहीं उतरे आप? समय कांग्रेस ने नहीं उतरने दिया था, आप क्यों नीचे नहीं उतरे? ठीक है संजय जी, एक मिनट, सबसे एक कमेंट ले लो, फिर इस चर्चा को और ज्यादा हम आगे बढ़ाएंगे। अजय राणा जी भी हमारे साथ बने हुए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास जाऊंगी। इससे पहले मैं यहाँ जाऊंगी सूरज सिंह नेगी जी के पास, क्योंकि कांग्रेस से हैं और काफी साल सत्ता में रहे उत्तराखंड में, तो उनसे ही पूछ लेते हैं कि कितना विकास किया उन्होंने। सूरज जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सूरज जी, कांग्रेस बोल रही है कि ये सिर्फ लोक लुभावने वादे हैं जो बीजेपी कर रही है, जनता भोली है, बेवकूफ नहीं है। तो क्या 5 साल पहले जनता बेवकूफ थी? देखिए काजोल जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो जनता से वादे किए थे, वो किसी भी वादे पर वो खरा नहीं उतरी है, कोई भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। और इन्होंने खुद अपने मुख्यमंत्रियों को भ्रष्ट होने का, नकारा होने का सर्टिफिकेट दिया है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने आपको, इनको प्रचंड बहुमत की सरकार दी। डबल सर्टिफिकेट देखा आपने? हाँ सर्टिफिकेट, अरे तो हटाया क्यों? आप इनसे पूछ लीजिए ना कि त्रिवेंद्र जी को क्यों हटाया, फिर तीरथ जी आए माशाल्लाह, वो जो है फिर उनको क्यों हटाया? नहीं, मैं सिर्फ सर्टिफिकेट की बात कर रही हूं। तीसरे मुख्यमंत्री इनके आए हैं, तीन मुख्यमंत्री, वो तो सीमा जी जवाब दे देंगी। मैं आपसे पूछूं, आपने वो सर्टिफिकेट देखा? तो हमारा कहना ये है कि हटाने का मतलब यही तो हुआ कि जनता ने तो 5 साल के लिए सरकार चुनी थी। अरे 5 साल के लिए सरकार का मुखिया चुना जाता है, आप इतने साल सत्ता में रहे, हम क्या नहीं कर पाए? हमने जो देखिए, उत्तराखंड की जो पहली निर्वाचित सरकार थी, मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी के कार्यकाल में जितना विकास उस कार्यकाल में हुआ, उतना आज तक नहीं हुआ। तो जो विकास पुरुष हुए हैं, जिन्होंने विकास की संरचना की है, वो तो कांग्रेस है। बहुत विकास किया कांग्रेस ने, आज इन्होंने 4.5 साल सही कह रहे हैं, पौने 5 साल, अरे किया है ना, हर जगह किया है कांग्रेस। आज जो देश जहां पर जिस स्थिति में है, वो कांग्रेस की देन है। अच्छा, आज जनता, आम जनता ये कहती है कि आज भी हम परेशान हैं, आज भी हम पलायन कर रहे हैं, आज भी हमें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, आज भी तस्वीरें ऐसी आती हैं कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, तो आपने कितना विकास किया है? तस्वीरें भिजवा दूंगी आपके पास, देख लीजिएगा। नहीं नहीं, वो ठीक है, जितना विकास कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, आज तक उत्तराखंड में 12 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है, और कांग्रेस की सरकारों ने पहली सरकार जो निर्वाचित सरकार थी, सबसे ज्यादा अगर काम का श्रेय जाता है, किसी भी से पूछ लीजिए, कांग्रेस की सरकार को जाता है। और उसके बाद जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार सत्तारूढ़ हुई थी, तो किस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्रियों को काम नहीं करने दिया गया, सरकार को तोड़ने का काम किया गया, सरकार को में काम कामों में रोड़ा अटकाने का काम किया गया, तो ये तो सर्वविदित है। और हम कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी लोक लुभावन घोषणाएं ये चुनाव के दौरान कर रहे हैं, क्या इनके लिए इनके पास बजट भी है, बजट का प्राविधान भी किया है कि नहीं? ऐसी घोषणाएं चुनाव के वक्त केवल और केवल जो है लॉलीपॉप है। हमें ये समझ नहीं आता, जब हम सभी राजनीतिक दल ये कहते हैं कि हम जनता के हित में काम करेंगे, हम जनता के हित में ही बोल रहे हैं, तो फिर अगर ये जो लोग लुभावने वादे भी है, चलिए मान लीजिए कि सिर्फ ये चुनावी एजेंडा है, ये जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुए हैं, फायदा तो जनता का ही हो रहा है ना, फिर क्यों परेशानी है? काजोल जी, जनता का फायदा होना चाहिए, पर हम कह रहे हैं कि आपने 4.5 साल जनता के जो खराब किए, उसके जिम्मेदार कौन है? वो 4.5 साल पहले क्यों नहीं किए, 2 साल पहले क्यों नहीं किए, 3 साल पहले क्यों नहीं किए? तो हमारा कहना यह है कि ऐन चुनावी मौके पे, जब तक ये योजनाएं, इनकी घोषणाएं धरातल पे आएंगी, तब तक आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव हो जाएंगे,
फिर ये लोगों को भूल जाएंगे। आप भी जिस प्रकार से 15 लाख रुपए भूल गए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देहरादून में घोषणा की थी कि हम जो है किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वो कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है सूरज जी, आपके पास लौटूंगी। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं, अजय राणा जी अभी चुनावी बोर्ड में घोषणाएं करेंगे तो वैसी घोषणाएं होंगी, आपकी बात सुनिए, हम सवाल उठा रहे हैं, आपकी बात सुनिए, मैं आगे चर्चा बहुत करेंगे, अभी बहुत समय है। अजय जी, इन्होंने एक बात कही है अभी सूरज जी ने कि 2014 में जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आई थी, प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, तो तब उत्तराखंड में इन्होंने मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया था, इस पर क्या कहेंगे आप? काजोल जी, अगर देखा जाए तो जो यहाँ है, चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने जमकर लूटा है जनता का, जो है उनकी भावना का शोषण किया है,